आप देख रहे हैं बीटीवी न्यूज़। मन की आंखों के जरिए दुनिया को देखती कला इन दिनों जयपुर में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। दिल्ली के आर्टिस्ट धीरज सिंह ने आर्टिचुअल गैलरी में एक्सरे को माध्यम बनाकर अपना इंस्टॉलेशन डिस्प्ले किया है। कलाकार का मानना है कि एक्सरे शरीर के अंदर की तस्वीर ही नहीं बल्कि हर चीज को दो तरह से देखने की सीख देता है। अपने मन में उठ रहे भावों को एक्सप्रेस करने के लिए आर्टिस्ट तरह तरह के माध्यम इस्तेमाल में लेते हैं। दिल्ली के आर्टिस्ट धीरज ने एक्सरे फिल्मों को यूज करके अपना इंस्टॉलेशन तैयार किया है। इस शो को नाम दिया गया है द इनर आई। इस एक्सरे आर्ट में अलग अलग थीम पर इंस्टॉलेशन है। किसी भी सत्ता को हासिल करने के पीछे कितना संघर्ष रहा होगा ये दिखा रहा है एक्रिलिक शीट से बना सिंहासन। इसमें एक्सरे की इमेज भी है और एक यूनिक आर्ट फॉर्म है, एक यूनिक मीडियम है जिसको हम कहते हैं। क्योंकि और कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं था जो एक्सरे में काम कर रहा था, मैंने कहा क्यों नहीं मैं एक्सरे को यूज़ करूं। एक ऐसा रूप है जिसको बहुत खूबसूरत नहीं माना जाता है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं छिपी हुई है एक बहुत गहरी सच्चाई और खूबसूरती भी। धीरज ने जयपुर में शो के लिए खास तौर से एक इंस्टॉलेशन तैयार किया है जिसका नाम है ट्रैपड इन एयर। इसमें हेरिटेज को दर्शाते लाल रंग के झरोखे हैं जो राजशाही जमाने में महिलाओं की पर्दा प्रथा को इंगित कर रहा है। इन आर्ट पीसेस को बनाने के लिए आर्टिस्ट ने सिर्फ बॉडी पार्ट्स ही नहीं बल्कि और भी चीजों के एक्सरे इमेजेस को यूज में लिया है। इस तरह का काम आर्ट कनोशियस के लिए भी है, आर्ट लवर्स के लिए भी है, आम जनता के लिए भी है। तो जो एक जर्नलिस्ट, जो खुद भी जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इतनी रियलिटीज़ देखी हैं। आप तो जानते हैं जर्नलिस्ट का पाला कहाँ कहाँ किस किस तरह की गुड़ यथार्थ से होता है, वो देखते हुए के बाद उन्होंने क्रिएट किया है। वो चाहते हैं मासेस के साथ ये लिंक हो। सो दिस शो एट आमेर पैलेस इज फॉर द मासेस टू सी, टू रियलाइज एंड टू बी फेथफुल विद देयर ओन इनर रियलिटी। इस शो में हर आर्ट पीस यूनिक है और आर्ट फील्ड में करियर बनाने की सोच रहे स्टूडेंट्स के लिए रिसर्च का विषय। जयपुर में ये शो 12 दिसंबर तक देखा जा सकता है। कैमरामैन विजय गिरी गोस्वामी के साथ राखी जैन, बीटीवी न्यूज़।